शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये बात हम कल के कल साबित कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे चलो बैठो। शक तो हमको तुम पर पहले से ही था, इसलिए हमको तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हमारे लाल को तो वसुधा खा गई, अब चिबू की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, न शवनी को न तुमको। जिसका भी हाथ है ना इसमें, हम पता लगा कर ही रहेंगे। श्रवणी यही चाहती थी कि वो उसके साथ पूरी रात अकेले रहे। जाओ जल्दी जाओ। क्या ऐसे कैसे हो सकता है मम्मी? शिवांश अब हमारा मंगेतर है, हम भी देखते हैं कैसे छूती है वो हमारे होने वाले पति को। जाते हैं हम। ए चुप के लिए बैठ, कहाँ जा रही है? वो शिवांश को देखने। अरे अम्मा जी, हम हैं ना यहाँ पर। उसके हाथ में आपके पोते के नाम की मेहंदी लगी है, वो तो जा सकती है ना? और हम तो हैं ना यहाँ पर, उसको तो जाने दीजिए। ठीक है, निकल जा। जी दीदी, हाथ छोड़ो हमारे शिवांश का, छोड़ो। अपनी बहन के मंगेतर के साथ एक बिस्तर पे बैठे हो और वो भी उसका हाथ पकड़ के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये दिख रहा है तुम्हें? शिवांश के नाम की मेहंदी लगी है हमारे हाथ में, हम उसकी होने वाली पत्नी है। छोड़ो अभी हाथ, हम कह रहे हैं छोड़ो। सबसे पहले तो तुम हमारे कमरे से बाहर निकलो, और दूसरी बात, ना तो तुम उनकी बीवी हो और ना कभी हो सकती हो। चाहे 7 फेरे ले लो या 14 फेरे, हमारा तलाक नहीं हुआ अभी स्वीटी, तो तुम उनकी पत्नी नहीं कहलाओगी। कहलाओगी तो बस। दीदी काली मत दो हमें, अपनी छोटी बहन को कभी काली नहीं दे सकते स्वीटी, इसीलिए समझा रहे हैं। और कानूनन हम अभी भी उनकी पत्नी है। ये हाथ में रची मेहंदी दिखा रही हो तुम हमें, हमारे कोख में पल रहे बच्चे का क्या? वो नहीं दिखाई दे रहा? उसी के बाप के साथ शादी रचाने चली हो तुम। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए स्वीटी। अगर हम चाहे ना स्वीटी, तो पुलिस को बुलाकर ये सारा तमाशा एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। वक्त नहीं लगेगा हमें, लेकिन जानती हो क्यों चुप है? सिर्फ और सिर्फ शिवांश की वजह से। जाओ यहां से, बाहर जाओ। बाहर जाओगी या हम अभी Thank you.
बस एक रात और शिवांश, एक रात और, फिर हमारे बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, और फिर ताहिर जी की कोई चाल भी कामयाब नहीं होगी। हम दोनों होंगे और हमारा बच्चा। हे देवी माँ, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना हम पर, हम दोनों की जोड़ी को सलामत रखना। काहे मुंह लटकाई हो, क्या हुआ? दीदी कह रही थी कि कानूनन अभी भी वो शिवांश की पत्नी है, पर हम नहीं माने तो वो हमें पुलिस के हवाले कर देगी। ये जान पर बंदूक ताने बैठी है ना, ये जिसकी वजह से बैठी है वही इनके बेटे के कातिल की पैरवी कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें मम्मी? कहाँ बुदबू आ रही है, हैं? कहा ना, सबका हिसाब होगा। कौन सी माँ को अपने बेटे की हत्या का दुख नहीं होता? और जहां तक हमारे बेटे का सवाल है, चल क्या? गलती तो हमारी भी थी, वसुधा ने हमसे कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन हम बेटे के मुंह में अंधे थे, कान के साथ साथ आँख भी बंद कर दी। अगर ऐसा ना करते, अपने बेटे को रोक लेते, तो आज शायद ये नौबत ना आती। आज श्रवणी ने हमारी पुरानी गलतियां सामने रख दी, इसलिए इस बार हम अपनी आँख और कान खुला रखना चाहते। वसुधा के साथ जो अन्याय हुआ, वो श्रवणी के साथ हम होने नहीं देंगे। अगर वो गलत नहीं है तो उसके साथ हम गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अम्मा जी, हमको कोई कहीं नहीं जाएगा। हम यही बैठी है ना यहाँ पर, हम कहाँ भागेंगे इसके बगैर? हम बस आ रहे हैं। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।